अब देखिए हम यहाँ पर करते ये हैं कि ये जो टी डी है इसकी क्लास हम डिफाइन कर देते हैं और यहाँ पे जाके हम कह देते हैं जनाब फोर, ये चलें इसको कर देते हैं, हाँ फोर ही रहने देते हैं। और ये जो दूसरी टी डी है इसको भी हम फोर कर देते हैं और तीसरी टी डी को भी फोर कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, इससे ये होगा जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और जब आप पेज को रन करेंगे तो आउटपुट कुछ अच्छा, वो डिफ के लिए है, हम यहाँ टी डी यूज कर रहे हैं। टी डी के लिए तो बेहतर है कि आप वेट की डिफाइन कर दें। वेट हम यहाँ पे ले लेते हैं जनाब 30% और यहाँ पे ले लेते हैं 40% और यहाँ पर भी 30% ले लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, यानी पेज जो है वो आपको अब कुछ इस किस्म का नजर आएगा, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम आपको यहाँ पे, सही। बाकी ये जो इस पे क्लासेस अप्लाई हुई है वो तो खुद ही एडजस्ट हो रही है क्योंकि वो जितनी बेड थे उसके हिसाब से वो कर। अब फर्दर ये कि इसमें हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वैलिडेशन कंट्रोल का, तो वो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है लेकिन इसके साथ ही मिलाकर कर लेते हैं। अगर आप टूल बॉक्स के अंदर देखें तो आपको यहाँ पर नेविगेशन कंट्रोल के नीचे बल्कि ऊपर वैलिडेशन कंट्रोल नजर आएगा। ये वैलिडेशन कंट्रोल क्या चीज है, वैलिडेशन कंट्रोल ये है कि जब आप कोई भी चीज अपने कंट्रोल्स में इंटर कर रहे होंगे तो आप उनको वैलिडेट करवाएंगे कि वो आपके हिसाब से है या नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे नेम जो है अगर कोई यूजर लिखता है तो आप मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि भाई वो लाजमी तौर पे लिखा हुआ हो, तो उसके लिए आप रिक्वायर्ड उसको बनाना चाह रहे हैं, मैंडेटरी बनाना चाह रहे हैं, तो आप रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर यूज कर सकते हैं। मैंने किया ये कि एक कंट्रोल है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, वो मैंने तीसरे कॉलम में लाके ड्रॉप कर दिया। फिर ये जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर, इसकी प्रॉपर्टी के अंदर एरर मैसेज एक प्रॉपर्टी है, इसमें मैं लिख देता हूँ जनाब नेम इज मिसिंग, ठीक है। और फिर दूसरा काम मैं करता हूँ कि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है इनेबल क्लाइंट स्क्रिप्ट, इसको फॉल्स कर दूंगा मैं, इसलिए कि मैं चाह रहा हूँ कि इसकी वैलिडेशन जावा स्क्रिप्ट से नहीं बल्कि सर्वर साइड इवेंट के थ्रू हो, तो इसलिए मैंने इसको फॉल्स कर दिया। फिर एक और इसमें प्रॉपर्टी होती है कंट्रोल टू वैलिडेट, कंट्रोल टू वैलिडेट में मैं लूंगा टी एक्स टी यूजर नेम, यानी किसको वैलिडेट करेगा, ये यूजर नेम को वैलिडेट करेगा। इसका फॉर कलर हम रेड ले लेते हैं। तो अब होगा ये कि जब आप इस पेज को रन करेंगे और रन करते हुए यहाँ तो आपको कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपने यहाँ कुछ ना लिखा और रजिस्टर पर क्लिक कर दिया तो ये कहेगा नेम इज, अगर आपने यहाँ कुछ लिख दिया तो ये एरर मैसेज अब नहीं आएगा। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक। अच्छा, इसी तरीके से पासवर्ड भी लिखना जरूरी है, तो यहां पर हम लिखेंगे जनाब पासवर्ड इज मिसिंग, इनेबल क्लाइंट स्क्रिप्ट फॉल्स, कंट्रोल टू वैलिडेट में हमने जाके लिख दिया टीएक्सटी पासवर्ड, और फॉर कलर हमने चेंज करके कर दिया रेड। अब होगा ये कि अगर आप पेज को रन करते करने के बाद कुछ भी ना लिखे और रजिस्टर पे क्लिक कर दें तो ये कहेगा भाई नेम मिसिंग, पासवर्ड इज मिसिंग। फिर तीसरी चीज है कंफर्म पासवर्ड, तो कंफर्म पासवर्ड के अंदर लिखना तो जरूरी है, उसे लिखना इसलिए जरूरी है कि बगैर लिखे तो गुजारा नहीं, कंफर्म पासवर्ड लिखना तो है, तो लिहाजा उसके लिए तो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर ही होगा और इसका मैसेज आप देंगे कंफर्म वो आपके ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो एरर मैसेज है।
और कंट्रोल टू वैलिडेट में आप लिखेंगे टीएक्सटी कंफर्म पासवर्ड, फॉर कलर यहाँ भी रेड कर देंगे। लेकिन जो असल चेकिंग है वो है कि भाई पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच करें एक दूसरे से। मैच नहीं कर रहे तो आप फौरन बताएंगे कि भाई ये मैच नहीं कर रहे, क्योंकि दोनों जो है वो इनपुट टाइप पासवर्ड है, यूजर को नजर नहीं आ रहा होगा, उसने डॉट्स लिखे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर एक और वैलिडेटर होता है जो कहलाता है कंपेयर वैलिडेटर। ये कंपेयर वैलिडेटर हम यहाँ ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर देंगे और कंपेयर वैलिडेटर की प्रॉपर्टीज में जाकर हम कहेंगे कि पासवर्ड्स आर नॉट सेम और इनेबल क्लाइंट स्क्रिप्ट फॉल्स कर देंगे। कंट्रोल टू वैलिडेट में तो हम लिखेंगे जनाब कंफर्म पासवर्ड, लेकिन यहाँ एक एट्रीब्यूट का इजाफा है कंट्रोल टू कंपेयर, इसमें हम लिख देंगे टीएक्सटी पासवर्ड, फॉर कलर यहाँ पर हम रेड ही रखेंगे। तो अब ये जो कंपेयर वैलिडेटर है ये चलेगा जब कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड दोनों में आपने डेटा दिया हुआ होगा, यानी अभी कुछ भी नहीं दिया हुआ, वो आपने रजिस्टर पे क्लिक कर दिया तो अभी जो है ना वो कंपेयर वैलिडेटर नहीं चलेगा। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, अब आपने कुछ लिख दिया, जैसे यहाँ पे लिखा ए ए और यहाँ पे लिखा बी बी, तो अब ये बताएगा कि भाई पासवर्ड सेम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखा तो फिर ये कहेगा कि भाई मिसिंग, लिखा ही नहीं आप। बात समझ में आ रही? तो आप इस कंट्रोल के साथ दो वैलिडेशन कंट्रोल जो है वो काम कर रहे हैं, सही है? फिर ईमेल एड्रेस की वैलिडेशन कैसे करेंगे, तो यहीं पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर क्या है कि यहां पर हम लिख देंगे जनाब ईमेल इज नॉट वैलिड, अच्छा, और इनेबल्ड क्लाइंट स्क्रिप्ट फॉल्स, कंट्रोल टू वैलिडेट में कह दिया टीएक्सटी ईमेल, फॉर कलर इसका कर दिया जनाब रेड। अच्छा, अब ये ईमेल इज नॉट वैलिड जो है असल में ये करेगा ये कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू ये काम करेगा। अब रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनती है ये बड़ा मसला है, इसके लिए आपको थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़नी पड़ेगी जो कि कंप्यूटर साइंस में छठे सेमेस्टर में पढ़ाते हैं। और ये यूज होती है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर। कंपाइलर वो सॉफ्टवेयर है जो कि लैंग्वेज को सिंटेक्स को देख के उसको बताता है कि इसमें कोई सिंटेक्स एरर है या नहीं है। तो अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाना सीखें, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जो मोस्ट कॉमन रेगुलर एक्सप्रेशन है वो इंटरनेट पर बड़ी आसानी से अवेलेबल है, तो आप गूगल पर सर्च करेंगे और आपको मिल जाएंगी। आपने करना सिर्फ ये है कि उस रेगुलर एक्सप्रेशन को ला कर इधर पेस्ट करना, और मजे की बात यह है कि यहीं पर बहुत सारी बनी बनाई भी मौजूद है, जैसे कि इंटरनेट ईमेल एड्रेस। अभी क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको समझा तो दूंगा लेकिन आपकी समझ नहीं आएगा, ठीक है? ये लिखा हुआ है कोई भी स्ट्रिंग, उसके बाद जो कुछ आ सकता है वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, और वो मोर देन 0 टाइम्स रिपीट होगा, सही है? फिर डैश या डॉट में से कुछ आ सकता है, फिर एक स्ट्रिंग आ सकता है। इसके हिसाब से ए भी वैलिड है, ए डॉट बी भी वैलिड है, ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी डॉट ई सब वैलिड है, सही है? एट द रेट का साइन आना जरूरी है, एक स्ट्रिंग का साइन आना जरूरी है, उसके बाद एक डॉट आना जरूरी है। ये पूरा ईमेल एड्रेस का एक फॉर्मेट है और ये हमने यहाँ लिख दिया। डिस्क्रीट में भी पढ़ाते हैं लेकिन ज्यादा डिटेल में ऑटोमेटा थ्योरी में डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में भी पढ़ाया जाता है, हल्का फुल्का उसमें टच होता है, लेकिन इसका ज़्यादा यूजेज आता है जब हम कंपाइलर बना रहे होते हैं ना, तो कंपाइलर का प्री रेगुलेट होता है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। अच्छा, आप देखें यहाँ पर जो है वो ईमेल इज नॉट, अब क्या है आपने रेगुलर एक्सप्रेशन आपको कहीं से मिल गया इंटरनेट से, आपने वो यहाँ लाके पेस्ट कर दी। उसके हिसाब से रेगुलर एक्सप्रेशन यूज होती है स्ट्रिंग मैचिंग के लिए। एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो वो कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। अब होता क्या है कि जो स्ट्रिंग उस सेट ऑफ रूल्स पे उन सेट ऑफ रूल्स को सेटिस्फाई करते हैं उनको ये रेगुलर एक्सप्रेशन पास कर देती है, जो नहीं करते उसको ये फेल कर देती है।
जैसे हम जब कंपाइल करते हैं कोड को तो वो बताता है कि फला लाइन पे एरर है, कैसे पता चलता है? क्योंकि वो कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको वो लाइन पास नहीं कर पाती। सही है, समझ में आ गई मेरी बात? तो अच्छी बात है। नहीं समझ में आई तो जरूरी नहीं है कि हर बात समझ में आए, टेंशन ना लें, आगे चलते हैं। और अभी क्या होगा, अभी ये होगा कि अगर मैं ईमेल नहीं लिखूंगा तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर लिखूंगा तो ये बताएगा कि ये ईमेल जो है वो सही नहीं है, और ये इनपुट टाइप ईमेल भी है तो ये वाला काम भी हो रहा होगा। तो आप चाहें तो ये काम ना भी करें, इनपुट टाइप ईमेल में ये वैसे ही काम हो गया। इसलिए कि इनपुट टाइप ईमेल है ना, तो उसमें वो काम पहले हो गया तो वो उधर जा ही नहीं रहा है। ये क्लाइंट साइड पे ये चीज हैंडल हो गई है। सही, अगर ये सिंपल टेक्स्ट बॉक्स होता तो वो भी आ जाता। अच्छा, फिर इसमें एक चीज ध्यान में रखें कि ये तो फॉर्मेट से रिलेटेड चीज है, लेकिन ये चलेगा उस वक्त जब लिखा हुआ हो। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि ईमेल जो है वो मैंडेटरी फील्ड भी हो जाए, तो आप फिर रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर भी यहाँ ले लें। इसका मतलब है कि ईमेल मैंडेटरी हो गई, आप लिखना जरूरी है, उसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। चलें, मेरे ख्याल है ये हमने थोड़ा यूज कर लिया यहाँ पर। अब होगा ये कि अगर आप यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और आपने ये डेटा नहीं दिया तो फौरन ये मैसेजेस आ जाएंगे। सही, कॉन्टैक्ट नंबर आप बेशक ना दें, डेट ऑफ बर्थ आप बेशक ना दें, तो ये आपको कुछ नहीं कहेगा। तो जनाब, अभी तक हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है उसमें ये ध्यान में रखें कि अभी तक हमने फ्रंट एंड बनाया और हमने डेटाबेस बनाया, और ये दोनों सर्वर पे होते हैं। ये आपका सर्वर साइड पे है तो डेटाबेस दोनों सर्वर पे होता है। अभी क्लाइंट की बात नहीं हो रही है, क्लाइंट तो सिर्फ रिक्वेस्ट भेज रहा है सर्वर के पास, सर्वर के पास रिक्वेस्ट आ गई है, अभी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है, पेज लाइफ साइकिल चल रहा है। तो उसके दरमियान जो है वो जो इवेंट हैंडलिंग वाला प्रोसेस है, यानी लोडिंग के अंदर, वहां पर अगर हमने कोई कोड लिखा हुआ है डेटाबेस से इंटरेक्ट करने का, तो वो जो है वो इस वक्त चलेगा। और डेटाबेस में क्या है कि आप डेटाबेस के साथ जो है वो कनेक्ट होते हैं और डिसकनेक्ट भी होते हैं। ये काम कैसे किया जाता है, तो ये आपका फ्रंट एंड है, ये आपका बैक एंड है, डेटाबेस है। अभी ये दोनों यहीं पर है, अलग अलग भी हो सकते हैं। एसक्यूएल सर्वर को एज अ सॉफ्टवेयर यूज करके हम अलग सिस्टम पे एसक्यूएल सर्वर रख सकते हैं और एक अलग सिस्टम पे वेबसाइट डिप्लॉय हो सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी किस किस्म का, आपका जो है ना वो वेबसाइट किस किस्म की है, सॉफ्टवेयर किस लेवल का है। तो आप यहाँ पर जो है वो, मैं अगर ये सारा डेटा जो यूजर पेज पे इंटर करेगा, ये मैं चाह रहा हूँ जाके इंटर हो जाए कहाँ, उस टेबल के अंदर ऐड हो जाए, तो वो मैं कैसे करूँगा? उसके लिए मुझे सी शार्प की कुछ क्लासेस यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा कि जब बगदाद पे तातारियों ने हमला किया था, तो उस जमाने में हमने यहाँ पर ये बात की थी कि भाई छुट्टियाँ बहुत आ रही हैं, तो आप सी शार्प की वीडियोस देख लीजिएगा। और साथ ही साथ मैंने कहा था कि मैं आपको बता भी रहा हूँ कि आप नहीं देखेंगे, तो आप जान गए हैं कि मुझे पता था कि आप नहीं देखेंगे। अगर कोई डिसएग्री करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन मुझे पता है कि कोई नहीं करेगा, मुझे किसी ने नहीं देखी। तो वो जो सी शार्प की वीडियोस मैंने आपको देखने के लिए कहा था, वो इसलिए कहा था कि आपके जहन में ये बात ना आए कि हमने सी शार्प नहीं पढ़ी हुई, क्योंकि वो वीडियो आप देख भी लेते ना, तो मैं जो आगे बताने जा रहा हूँ वो समझ में वैसे भी नहीं आ रहा था आपके। सही है, कॉन्सेप्ट हल्का फुल्का सा, कुछ क्लासेस हम यूज करेंगे सी शार्प की और उनके मेथड्स कॉल करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, देखें, सबसे पहले तो मैं यहाँ रजिस्टर पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरे सामने ये इवेंट आ गया। कौन सा ये इवेंट? फायर होगा जब बटन पर क्लिक होगा। सही है,
अच्छा अब मैं यहाँ पर जो है ना वो क्लासेस जो मैं यूज करने जा रहा हूँ उनके नेम स्पेसेस यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ जनाब यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा और नीचे लिख रहा हूँ यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ये दो नेम स्पेसेस हमें चाहिए होते हैं, सही है? ठीक है, क्या हो गया भाई? अच्छा बटन एड न्यू यूजर अंडरस्कोर क्लिक के अंदर मैं जो कोड लिखने जा रहा हूँ तो पहले मैं कोड लिखता हूँ फिर आपको उसको समझाऊंगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूजिंग वेरिएबल कनेक्शन इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन और इसके अंदर मुझे पास करनी है कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग आपको कैसे मिलेगी? लेकिन सर्वर एक्सप्लोरर में ये आपका डेटाबेस डॉट एमडीएफ है, इसकी चले जाएं प्रॉपर्टीज में, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कनेक्शन स्ट्रिंग, वो यहां से कॉपी कर लें और इधर पेस्ट कर दें। कर दी। अब इसमें कुछ चीजें आपको चेंज करनी है। क्या चेंज करनी है? पहली चीज तो ये करनी है कि ये जो यूआरएल लिखा है ना पूरा, इसको आप डिलीट कर दें यहां तक, और इधर आपने लिखना है डेटा डायरेक्टरी, यहां पे लगाना सिंगल कोट्स। और इधर आपने लगाना है एट द रेट का साइन। क्या क्या किया है मैंने? डेटाबेस को सिलेक्ट किया है, उसकी प्रॉपर्टीज में जाके कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ कॉपी कर दिया, सही है? डबल कोट के अंदर डबल कोट ना लगाएं तो बेहतर है, डबल कोट के अंदर सिंगल कोट लगाएं, सिंगल कोट के अंदर डबल कोट लगाएं, सही है? अच्छा अब इसमें यहाँ चीजें जो जो हैं वो तो है डेटा सोर्स, इसका मतलब है एसक्यूएल सर्वर लोकल डीबी यानी कि एक्सप्रेस एडिशन। ये डेटा डायरेक्टरी से मुराद होती है ऐप डेटा का फोल्डर, ये डेटा डायरेक्टरी कहलाता है। तो आप डेटा डायरेक्टरी के अंदर डेटाबेस डॉट एमडीएफ कर रहे हैं, इसने जो पाथ दिखाया था ना वो एक्चुअली इसी फोल्डर का था, लेकिन वो इस सिस्टम में तो चल जाता, आप किसी और सिस्टम में अगर इस वेबसाइट को चलाएंगे तो वहां मसला हो जाएगा, तो बेहतर है कि डेटा डायरेक्टरी दें। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू से मतलब है कोई यूजर ने पासवर्ड नहीं देना। अच्छा फिर ये यूजिंग क्या है और ये सारी चीजें क्या है मैं भी समझाता हूँ, पहले कोड पूरा और लिख लूं, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जनाब वेरिएबल कमांड इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड और यहाँ पे हम अपनी कमांड देंगे, फिर हम लिखेंगे कनेक्शन डॉट ओपन और फिर हम लिखेंगे कमांड डॉट एग्जीक्यूट। ये कोड हमें चाहिए होता है डेटाबेस में एक नई रॉ ऐड करवाने के लिए, सही है? अच्छा इसमें कमांड भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले वो कमांड क्या है हमारी, तो मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल क्यूरी इक्वल्स टू इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है हमारा यूजर्स और उसमें मैं लिख रहा हूँ वैल्यूज। देखिए ये जो क्यूरी का जो वेरिएबल है इसका हमारे कोड से कोई ताल्लुक नहीं है, इसको हम अलग बना लेते हैं, पर ये क्यूरी वो क्यूरी है जो डेटाबेस पे जाके चलानी है। अच्छा ये जो डेटाबेस होता है ये डेटाबेस रिलेशनल फॉर्म में होता है, ये समझता है एक लैंग्वेज एसक्यूएल के नाम से एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, तो उसकी भी आपको वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, सही है? फ्री ऑफ कॉस्ट में, सही है? तो वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं और नहीं भी देख सकते तो कोई मसला नहीं, मैं समझा तो रहा हूँ आपको यहाँ पर, सही है? तो वो क्यूरी जो है इस वक्त उसमें डेटाबेस के ऊपर चार किस्म के ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट और सिलेक्ट, सही है? मेरी बात समझ में आ रही है? भाई देखें आपके पास कपड़ों की अलमारी है घर पे,
हो सकता है हो सकता है ना हो, ठीक है। तो वैसे तो जो लड़के होते हैं उनको तो जरूरत नहीं अलमारी की, सही है, लेकिन चले हैं मिसाल के तौर पे। तो अब उस अलमारी के उस अलमारी को आप किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसमें कोई आप शर्ट नहीं खरीद के लाए हो, आपने रख दी वहां पर, ये कहलाएगा इंसर्ट का ऑपरेशन, ठीक है। अच्छा, फिर शर्ट मौजूद है, आपने निकाली, या चले आपने नहीं निकाली, अम्मी ने निकाली और उसके पोछा लगाया और वापस रख दी, ये कहलाएगा अपडेट का ऑपरेशन, सही। आप घर पे वापस आए, आपने देखा शर्ट का क्या हाल हो गया, आपने उठाई और बाहर फेंक दी, ये कहलाएगा डिलीट ऑपरेशन, सही। और कहीं जाना पड़ गया गलती से, ठीक है, जैसे अम्मी ने कहा कि बेटा तैयार हो जाओ आज खाला के घर जाना है, और अब्बू ने कहा कि बेटा तैयार हो जाओ आज कुप्पू के घर जाना है, समझ में नहीं आएगा अभी आपको, बाद में समझ में आएगी मेरी बात, ये कुछ अरसे में समझ में आ जाएगी, या हो सकता है अंदाजा हो आपको, ठीक है। तो कुछ चीजें वक्त के साथ समझ में आती हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने अलमारी में जाकर शर्ट चूज करनी है कि कौन सी पहननी है, ठीक है। तो लड़कों के लिए चूज करना कोई मसला नहीं है, ठीक है, वो तो उन्होंने सिंपल एक दफा हाथ डालना है और जो भी हाथ में आ जाएगा वो बाहर निकाल लेना है, ठीक है। लेकिन स्टिल ये सिलेक्ट ऑपरेशन कहलाएगा। लेकिन मसला ये है कि दुनिया में सिर्फ लड़के नहीं होते, लड़कियां भी होती हैं, खवातीन भी होती हैं। तो इसीलिए सिलेक्ट का जो ऑपरेशन है ना, उसके अंदर बहुत सारे और भी आप देखेंगे क्यूरीज में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, क्योंकि अगर वो गलती से किसी लड़की की अलमारी है तो वो सुकून से सेलेक्ट होगा, आराम से होगा, ठीक है, इसका भी अंदाजा भी आपको नहीं है, हो जाएगा। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि ये चार ऑपरेशन डेटा पे परफॉर्म होते हैं और उनकी अलग अलग क्यूरीज होती हैं। इंसर्ट अपडेट डिलीट की तो सिंपल क्यूरीज है, लेकिन सेलेक्ट के अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं, सेलेक्ट को आप बहुत डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको टाइम मिले, अब टाइम मिलना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि आप सब लोग जो है इमरान खान की काबीना में शामिल हैं, तो टाइम आपको बड़े मुश्किल से मिलेगा, सही है। तो अगर टाइम मिले तो वो क्यूरीज वाली वीडियोज आप देख सकते हैं, सही। यहां पे मैं लिख रहा हूं इंसर्ट इनटू यूजर्स, और वैल्यूज के अंदर जाके मैं लिख रहा हूं जनाब जो वैल्यूज हमें इसमें इंसर्ट करवानी है, तो वो जो जितने कॉलम्स थे ना वो यहां पर होंगे। कौन कौन से कॉलम्स थे, नेम, पासवर्ड, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ। यहां पे लिखेंगे नेम, यहां पे लिखेंगे पासवर्ड, यहां पे लिखेंगे ईमेल, यहां पे लिखेंगे कॉन्टेक्ट नंबर, और आखिर में आप लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो सबसे पहले नेम यहां लिखना है, तो नेम यहां लिखने के लिए यहां पे मैं लिख दूंगा जनाब txt, email.txt। एक तरीका ये है जो मैंने लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं कि यहां पे लगा दें सेमी कॉलन और यहां पे लिखते हैं क्यूरी इक्वल्स टू क्यूरी प्लस और आगे लिख दें, समझ में आ रही बात। यानी ये जो बनी है, ये जो स्ट्रिंग बना है, इसमें ये स्ट्रिंग अपेंड हो जाएगी, ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, एक ही बात, ठीक है। फिर यहां पर मैं लिखूंगा txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। अब यहां आपकी चॉइस है क्या आप कंफर्म पासवर्ड के टेक्स्ट बॉक्स से उठा लें या पासवर्ड से उठा लें, दोनों में सेम वैल्यू होगी। पहले वाले में नेम आएगा, आईडी हम यूजर से इनपुट नहीं लेंगे, ये ध्यान में रखिएगा कि कॉलम वाइज जो अरेंजमेंट है ना कहां पर टेबल में, वही अरेंजमेंट यहाँ होनी चाहिए, बेशक फ्रंट एंड पे डिफरेंट हो, लेकिन जैसे वहां पर अगर नेम पहले पासवर्ड बाद में, तो यहाँ पहले नेम होगा फिर पासवर्ड होगा, उसके बाद ईमेल है तो यहां पर आना चाहिए ईमेल, उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर है तो यहां पर आना चाहिए कॉन्टेक्ट नंबर,
डॉट टेक्स्ट, और उसके बाद अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप लिखेंगे टीएक्सटी डेट ऑफ बर्थ डॉट टेक्स्ट। अब होगा ये कि जब ये जो स्ट्रिंग है इसमें ये वैल्यूज आएंगी ना, तो यहां पर टेक्स्ट बॉक्सेस में जो लिखा होगा ना वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप एक दफा जरा इसको चला लेते हैं, और चलाने के बाद फिर जरा मैं इस कोड को आपको समझाता हूँ। तो मैं यहाँ एक डिबगर लगा रहा हूँ और इसको मैंने रन कर दिया। क्या चीज? हाँ, देनी पड़ेगी जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर आप देंगे क्यूरी कॉमा कनेक्शन, ठीक है। चलें इसको चला लेते हैं, फिर मैं इसको आपको समझाता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर यूजर नेम लिख देता हूँ सलीम, पासवर्ड लिख दिया ABCD 1234 ABCD 1234, और ये आ गया ईमेल एड्रेस, और ये हमने कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, और ये हमने जनाब ये हम जो है वो जब रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो आपके पास क्यूरी बनेगी। तो वो जो क्यूरी बनेगी वो एक्चुअली ये बनी है, देखें इंसर्ट इनटू यूजर्स वैल्यूज, ये आ गया नेम, ये आ गया पासवर्ड, ये आ गया ईमेल, ये आ गया कॉन्टैक्ट नंबर, और ये आ गई डेट ऑफ बर्थ। सही है, सिंगल कोट्स में। फिर आप बनाएंगे कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, कमांड का ऑब्जेक्ट बना, इसमें ये क्यूरी पास हो गई और कनेक्शन भी पास हो गया, और फिर आ गया कनेक्शन ओपन, कमांड एग्जीक्यूट नन क्यूरी, और ये आप यहां से बाहर निकल गए। अच्छा, अभी अगर आप जाके डेटाबेस में चेक करेंगे, यानी कि यहां पर, तो टेबल डेटा में आपको ये वाली रॉ भी नजर आएगी, सलीम वाली, यानी ये जो डेटा आया है ये कहां से आया है, वो जो हमने फॉर्म से रन किया भेजा है वो आया है। आप जरा इस कोड को समझ लें। सबसे पहली चीज जो इसके अंदर हमने बना रखी है वो तो हमने ये क्यूरी बना रखी है। तो ये क्यूरी तो सिंपल है, ये एक स्ट्रिंग है और इसका फॉर्मेट इसी तरह होता है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, बस यहाँ पे ये कॉलम्स का ख्याल रखना पड़ेगा कि जो कॉलम है उसके हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिखा हुआ। फिर यहाँ पे यूज हो रहा है यूजिंग का कीवर्ड। यूजिंग जो है वो एक्चुअली एक ब्लॉक होता है सी शार्प में। यूजिंग ब्लॉक के अंदर आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसकी अच्छी चीज ये होती है कि जो भी ऑब्जेक्ट आप यूजिंग में बनाएंगे वो यूजिंग का ब्लॉक खत्म होते ही खुद ही खत्म हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पर यूजिंग में हम बना रहे हैं कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट यहाँ पर आते ही फौरन ही खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। हमें लिखने की जरूरत नहीं है कि कनेक्शन डॉट क्लोज। अगर आप यहाँ यूजिंग नहीं लिख रहे तो फिर यहाँ कनेक्शन डॉट क्लोज लिखना पड़ेगा, क्योंकि कनेक्शन ओपन हुआ है तो उसको क्लोज भी करना जरूरी है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, असल में ये तो सर्वर साइड पर रन हो रहा है ना, ठीक है। ये जो कनेक्शन डॉट क्लोज और ओपन का मामला है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू लोकल वेरिएबल। जब कनेक्शन ओपन होता है ना तो डेटाबेस लॉक हो जाता है, सही है। तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा लेकिन डेटाबेस का स्टेटस लॉक ही रहेगा, सही। तो डेटाबेस का स्टेटस चेंज होने की जरूरत है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये करना जरूरी है, वरना तो हम यहाँ पे कनेक्शन डॉट ओपन लिखते ही ना, ठीक है। चले, तो ये आपके पास कनेक्शन ओपन हो गया। उसके नीचे लिखा हुआ है कमांड। तो बेसिकली यहाँ पर ना हम दो क्लासेस यूज कर रहे हैं, एक है एसक्यूएल कनेक्शन और एक है एसक्यूएल कमांड, ठीक है। ये एसक्यूएल कनेक्शन और ये एसक्यूएल कमांड। कनेक्शन में देनी होती है कनेक्शन स्ट्रिंग,
कि डेटाबेस कहाँ पर है। कमांड में बताना होता है कि कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करनी है किस कनेक्शन को यूज करके, ठीक है। कमांड डॉट एग्जीक्यूट नन क्यूरी जो है, ये हम एग्जीक्यूट नन क्यूरी का जो मेथड है वो जब कॉल करते हैं जब क्यूरी हमारी इंसर्ट अपडेट और डिलीट की होती है। अगर क्यूरी हमारी हो जाए किस चीज की, सिलेक्ट की, तो फिर यहाँ दूसरा मेथड यूज होता है। इसमें थोड़ा सा चेंज ये करेंगे कि यहाँ पर हम जो है वो एक लेबल जो है वो ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंसर्ट रॉ बिलो, और ये जो रॉ है इसमें ये दोनों कॉलम जो है इनको मैं राइट क्लिक करके मर्ज कर रहा हूँ, और यानी कि कॉल स्पैन डिफाइन कर दिया। और फिर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक लेबल, लेबल की प्रॉपर्टीज में जाकर इसको मैं कह रहा हूँ LVL मैसेज, और सॉरी इसकी आईडी हमें सेट करनी है LVL मैसेज। इसका फॉर कलर हम रेड कर देते हैं, और हम कहेंगे ये कि CS कोड के अंदर यहाँ पर लिख देंगे LVL मैसेज डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। और फिर आप ये करेंगे ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं आपके, कौन कौन से टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, आपका कंफर्म पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स है, और कॉन्टैक्ट नंबर का है, और ईमेल का है, और जनाब पासवर्ड का है, और जनाब यूजर नेम का है, इनका टेक्स्ट एम्प्टी करवा दें, खाली करवा दें, यानी पेज को रिफ्रेश करा दें। फिर एक और चीज जो कि इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस कोड को आप रखेंगे ट्राई कैच ब्लॉक में, ताकि अगर कोई रन टाइम एक्सेप्शन आए तो वो भी आप हैंडल कर लें, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे LVL message dot text equals to ex dot message। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें लिख दी हैं, आपने इनिशियल स्टेज पे इनका रट्टा ही लगाना है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। मैं अपनी इस स्टेज में आके ना मदरसे के पढ़ाने वाले स्टाइल से बड़ी हद तक मुत्तफिक हो चुका हूँ, यानी ये कि बस रट्टा लगवाता रहो, कभी ना कभी तो खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज पे समझने से ज्यादा रट्टा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही आपकी समझ में। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो कोड है इसका क्या करना है, रट्टा लगाना, ठीक है। अब ये एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, रन टाइम एक्सेप्शन क्या होती है, ये आहिस्ता 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 चीजें आपको पता चल जाएंगे। अब होगा ये कि जब आप यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे जो है वो लिखते हैं वसीम, और आपने लिखा 1234 और यहाँ पे लिख दिया 1234, ईमेल एड्रेस लिख दिया gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा, डेट आपने कोई सेलेक्ट करी और रजिस्टर पर क्लिक कर दिया, तो ये कह रहा है यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, सही है। और ये सारे एम्प्टी भी हो गए, ये रिफ्रेश नहीं हुआ, इसको भी रिफ्रेश करवाना है। लेकिन अगर आपने ये सारा डेटा लिखा है यहाँ पर, जैसे पेज आपके पास पहली दफा खुला था और आपने ये सारा डेटा लिखा, लेकिन आपने डेट वगैरह सेलेक्ट नहीं की, तो अब ये जो डेट है ये बेसिकली ये वैलिड डेट नहीं है, लेकिन ये फिर भी डेटाबेस में चली जाएगी। और डेटाबेस में क्या जाएगा, डेटाबेस में आप देखेंगे कि यहां पर डिफॉल्ट डेट चली गई है। ये डिफॉल्ट डेट इनपुट टाइप डेट की डिफॉल्ट डेट है, सही है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, सही।
चलें अभी फिलहाल हम यहाँ ब्रेक करते हैं, फिर ब्रेक के बाद ही